हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आईशर मोटर्स के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने नए 52x हाई को ऑलरेडी टच किया है इन द सेम वीक, एंड इसका जो हाई है 3513, आज स्टॉक 3450 के करीब ट्रेड कर रहा है। एंड जिस रेंज पे ये स्टॉक आएगा, थोड़ा नीचे आपको मिले आपको जरूर एक्युमुलेट करना चाहिए। जिस तरह का परफॉर्मेंस है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट थे बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड मंथ ऑन मंथ इनके सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। इन दिस पर्टिकुलर मंथ यानी जो अगस्त का सेल है वो भी आउटस्टैंडिंग है। एंड आने वाले मंथ में तो और सारे न्यू वेरिएंट भी लॉन्च होने वाले हैं। 3 से 4 नए बाइक्स ये ले आने वाले विद इन द दिसंबर मंथ। एंड ये जो टाइम होता है सबसे ज्यादा सेल्स इसी टाइम सारे टू व्हीलर फोर व्हीलर कंपनी जनरेट करते हैं। सो आने वाले टाइम में जो मेरा टारगेट है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक 4000 जो दिसंबर एंड तक शायद आपको देखने को मिले। एंड अगर ये स्टॉक आपको थोड़ा डिप्स में ली यानी 3300-3200 वहां पे आपको जरूर एक्युमुलेट करना चाहिए। 3000 इज अ स्ट्रांग सपोर्ट एंड एनी सर्कमस्टेंसेस अनलेस बहुत कुछ नेगेटिव आ जाए ये स्टॉक 3000 को तो ब्रेक नहीं करने वाला। हाँ, मार्केट करेक्शन में अगर फिक्स ये 3300-3200 आ रहा है वहां पे आपको जरूर एक्युमुलेट करना चाहिए। एट द मोमेंट 3500 इज द रेजिस्टेंस एंड विद इन द रेंज ऑफ 3200-3500 ये कंसोलिडेट करेगा। सो 3300-3200 इज अ प्योर बाइंग जोन एंड स्टॉक को आपको बेचना नहीं, आपको होल्ड करना है। डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक जरूर देगा। प्राइस टू अर्निंग थोड़ा बढ़ चुका है 46 का है एंड मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज टारगेट जो वो अचीव हुए, बट आने वाला टाइम में ब्रोकरेज भी अपने टारगेट को जरूर अपडेट करेंगे। ये स्टॉक मैं तब से रिकमेंड कर रहा हूँ जब ये स्टॉक 2500 एंड 2700 के बीच कंसोलिडेट करता था। एंड डेफिनेटली मेरे सारे टारगेट जो है अचीव हो गए। न्यू टारगेट जो है वो 4000 के निकल के आ रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में वो है इस स्टॉक का टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है RSI 500 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबोट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। ये स्टॉक इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रही है, इसलिए RSI में इसका जो स्कोर है 62 एंड MFI में 72। RSI में स्टॉक ओवरबोट नहीं है बट MFI में स्टॉक थोड़ा ओवरबोट है, बट जिस रेंज पे ये अभी चल रहा है आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा फॉल इस स्टॉक में आएगा अनलेस मार्केट करेक्ट हो जाए। मार्केट जो है वो ऊपरी लेवल से तो नीचे ट्रेड कर रहा है, बट जब तक मार्केट 17000 के ऊपर है तब तक इस स्टॉक में बहुत बड़ा शार्प डाउनसाइड तो हम नहीं देख रहे। अगर हम इस स्टॉक का 100-200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो वो है 2850-2700 एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो कि सिंपल मूविंग एवरेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो 2900-2800 यानी स्टॉक अपने सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो 3000 इज अ बिग सपोर्ट एंड 3200-3300 इज अ बाइंग रेंज। सो यहां से अगर ये स्टॉक 5-6% गिरता है वहां से आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करना है। एक ही बार में सारा बाइंग मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आपको ये स्टॉक को बाई करना है। अगर हम इस स्टॉक का रेंज देखें तो 1 वीक रेंज 3241-3469 यानी 3200 एज आई सेड इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर 1 मंथ तो देखोगे वो 2900-3500 है। इस पर्टिकुलर मंथ पे स्टॉक ने अपने रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया था, रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग था। लास्ट 2 क्वार्टर के जो सेल्स नंबर है वो भी ऑसम है। एंड डेफिनेटली सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक चल चुके हैं। TVS मोटर अनदर राइवल कंपनी वो तो 1000 के ऊपर चला गया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में मेरा 2 ही फेवरेट है। मैं हमेशा से कहता हूं कि TVS मोटर एक आईशर मोटर दोनों स्टॉक ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस किया है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें तो डेफिनेटली स्टॉक का 3000 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, 3200 एंड 3300 अनदर 2 सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ऊपर की तरफ 3500 इज अ रेजिस्टेंस। आई डोंट थिंक सो कि 3500 के ऊपर ये बहुत पहले जाएगा, रादर देन ये थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ ही जाएगा। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो रिजल्ट आर आउटस्टैंडिंग। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट थे बहुत ही अच्छे थे। 3446 करोड़ का सेल्स था, टोटल जो नेट प्रॉफिट 610 करोड़ था। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 813 करोड़ है वर्सेस 757 करोड़, यानी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें हम अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हम इस स्टॉक के पीयर्स के साथ भी कंपेयर करें तो पीयर्स में जितने भी कंपनीज है उसमें आईशर मोटर्स इज द लीडर एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न। तो 2 मेन जो कंपनीज है मेरे लिए, एक है आईशर मोटर्स, एक है TVS मोटर्स। एंड जो मार्केट कैप है उसमें आईशर मोटर्स आते हैं 2 में आपका बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट डेफिनेटली अगर हम ओवरऑल सेल्स एंड रिजल्ट की बात करें तो TVS एंड आईशर मोटर्स लुकिंग मच मोर स्ट्रॉन्गर। एंड डेफिनेटली आपको इन दोनों स्टॉक में डिप्स में डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अगर हम इस स्टॉक के सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें सो एज यू कैन सी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे हम देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है ऑलमोस्ट 49.21% एंड आफ्टर दैट FII होल्डिंग 29.5%। सो FII का बहुत बड़ा डोमिनेंस है इस स्टॉक पे एंड डेफिनेटली ओवर द ईयर FII अपने स्टेक को बढ़ाया है। जिस तरह का बाइंग है आई डोंट थिंक सो FII ने अपने स्टेक को सेल किया, ईच एंड एवरी क्वार्टर FII अपने स्टेक को डेफिनेटली बढ़ाएंगे। एंड आने वाले टाइम में ये स्टॉक 4000 की तरफ जाने वाला है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। दैट इज ऑल अबाउट आईशर मोटर्स। आई एम वेरी बुलिश, 3200-3300 के रेंज पे है तो डेफिनेटली आपको बाय करना है। एट द मोमेंट थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए, नीचे आए तो डेफिनेटली बाय कीजिए। एंड जो 2800-3300 या 500 पॉइंट का रेंज यहाँ पे ही आपको स्टॉक को बाय करना है।
यह था स्टॉक का एनालिसिस। वीडियो इंफॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।